जिसे तो तुम सबने जरूर देखा होगा। और हाँ, रंग बिरंगी तितलियों के पीछे भागने, पकड़कर उनके रंगों को निहारने की कोशिश भी शायद की होगी। क्या जानते हो इसके जीवन के बारे में? कैसा है अंडे से पूरी तितली बनने का चक्र? आओ जाने। ये है तितली का एक अंडा। तितली अपना अंडा किसी पौधे के पत्ते या तने पर देती है। अंडे से निकलता है एक कैटरपिलर, जिसे हम इल्ली भी कहते हैं। ये पेड़ पौधों की पत्तियां खाता जाता है और इतना खाता है कि बन जाता है एक मोटा ताजा कैटरपिलर। ये छोटा सा कैटरपिलर अंडे से बाहर आकर कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा बन जाता है। पता है, ये कैटरपिलर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे 4-5 बार अपनी त्वचा भी बदलता है। अब ये कैटरपिलर प्यूपा की स्थिति में आता है। ये कुछ सप्ताह तक इसी स्थिति में रहता है। दोस्तों, आखिर में आता है तितली के बाहर आने का समय। वह धीरे धीरे प्यूपा से बाहर आती है और बन जाती है एक रंग बिरंगी चंचल तितली। तो तुमने देखा कि किस प्रकार विभिन्न चरणों में एक छोटा सा कैटरपिलर तितली में बदल जाता है।